हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम फिलॉसफी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये आपका यूनिट सेकेंड है और चैप्टर 3 है, ठीक है। एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें आपको फिलॉसफी की मीनिंग पढ़नी है, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफिकल स्कूल्स, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसकी फर्स्ट यूनिट के जो एमसीक्यूज है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, साथ ही साथ मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने एजुकेशन को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलॉसफी, फिलॉसफी से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, लव, अफेक्शन, लव ऑफ विजडम एंड लाइफ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लव ऑफ विजडम, ठीक है। फिलॉसफी क्या है, लव ऑफ विजडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का फादर किसे कहा जाता है या फिलॉसफी का जनक किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, कैंट, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो राइट आंसर आपका होगा सॉक्रेट्स। अगर आपने थोड़ा सा भी फिलॉसफी में पढ़ रखा है तो आपको ये पता होगा कि फिलॉसफी के फादर कौन थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी का जो ओरिजिनल सोर्स है वो क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है, वेदास, बुक्स, ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेदास। वेदास आपके जो इंडियन फिलॉसफी के ओरिजिनल सोर्स। अनदर क्वेश्चन इज, विच वन इज़ द ओरिजिनेटेड वर्ड ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का जो ओरिजिनेटेड वर्ड है या हम कह सकते हैं कि किन शब्दों से मिला करके फिलॉसफी वर्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे है फिलोसोफिया, फिलसोफिया, फिलोसोफी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलोसोफिया। तो जो आपका फिलोसोफिया वर्ड है इसी को मिला के हमारा फिलॉसफी बना हुआ है, जिसमें फिलो का मतलब होता है लव, इसका मतलब होता है लव, और सोफिया का मतलब होता है यहाँ पे विजडम। और अभी मैंने आपको एक फर्स्ट या सेकेंड एमसीक्यूज में बताया था कि जो फिलॉसफी है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है लव ऑफ, लव फॉर विजडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स का क्या मतलब होता है। थ्योरी ऑफ नॉलेज, लव ऑफ विजडम, वैल्यू एंड एथिक्स, नेचर ऑफ रियलिटी। तो इसका राइट आंसर है नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है। मेटाफिजिक्स में हम नेचर ऑफ रियलिटी को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वी स्टडी अंडर थियोलॉजी, थियोलॉजी के अंडर हम क्या पढ़ते हैं। तो गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, रियलिटी ऑफ डेथ, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो है गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑड वन, इसमें से आपको डिफरेंट जो है इन चारों में से उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हो गए हैं, योगा, न्याय, वेदांता एंड बुद्धिस्ट। तो इसमें से आपको जो मतलब ऑड है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बुद्धिस्ट, क्योंकि बुद्धिस्ट जो है वो आपका नास्तिक स्कूल्स की कैटेगरी में आता है, और जो बाकी के तीन हैं वो आपके आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स स्कूल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ कॉइन्स, ये किसने कहा है, सॉक्रेट्स, रोस, एरिस्टोटल और कैंट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रोस। रोस ने एजुकेशन और फिलॉसफी को एक सिक्के का दो पहलू बताया है। अगला है, विच इज़ कॉल्ड द ट्रू बिगनिंग ऑफ फिलॉसफी, ट्रू बिगनिंग ऑफ फिलॉसफी हम किसे कहते हैं, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या मेटाफिजिक्स। यहाँ पे आपका कॉस्मोगोनी होगा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, यहाँ पे आपको राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑन्टोलॉजी, ठीक है। जो ऑन्टोलॉजी है उसे ही हम ट्रू बिगनिंग ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। द लास्ट वन इज़, हु डिफाइन दैट फिलॉसफी इज़ अ डेली एक्टिविटी, ऑप्शंस आर सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल,
कार्ल मार्क्स एंड कैंट. तो राइट आंसर इज सॉक्रेट्स. ठीक है, सॉक्रेट्स ने डिफाइन किया है फिलॉसफी को एक डेली एक्टिविटी. तो ये कुछ MCQs थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं. फिलॉसफी चैप्टर से आपसे इसी तरह के MCQs पूछे जाएंगे. अगर आपको फिलॉसफी चैप्टर की फुल वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपके अदर कोई डाउट्स होंगे तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो.